आप देख रहे हैं M4U न्यूज। किसान की फसल बुआई के समय डीजल और पेट्रोल के दाम एकाएक बढ़ने से किसान वर्ग बेहद आक्रोशित है। लिहाजा हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में किसान कांग्रेस के बैनर तले काश्तकारों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खेत में जुताई बुआई करने वाले ट्रैक्टर को रस्सियों से खींचा। इस दौरान केंद्र सरकार से डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने की मांग की है। काश्तकारों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हो गए हैं। दिखाते हैं पूरी खबर। काश्तकारों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हो गए हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में किसानों के लिए चाहे ट्रैक्टर हो या फिर ट्यूबवेल, सिंचाई बुआई और काश्तकारी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण डीजल से ही चलते हैं और इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने से हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। लिहाजा केंद्र सरकार को तत्काल डीजल और पेट्रोल के दामों को GST के दायरे में लाकर कीमतें घटानी चाहिए। सर, इस समय जो है किसान बहुत हताश हुआ है क्योंकि लगभग लगभग डीजल और पेट्रोल के दाम एक साथ बढ़ गए, जिससे इस समय हमारा खेती का समय है, धान बुआई का समय है और मक्का बुआई का समय है, तो हम लोग किसान को इस समय बहुत हताशा का माहौल है क्षेत्र में। लोग परेशान हैं कि हम अपनी खेती कैसे गुजर बसर कर पाएंगे, लोग बहुत परेशान हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिले। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।